विभीषण राम का छोटा भाई है, जो प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण में लंका का राजा था। यद्यपि स्वयं एक रक्षार्थ, विभीषण एक महान चरित्र का था और उसने रावण को सलाह दी, जिसने सीता का अपहरण किया, ताकि वह अपने पति राम को एक अर्दली शैली में लौटाएं, और तुरंत जो रावण ने मना कर दिया। जब रावण ने उनकी सलाह पर ध्यान नहीं दिया तो विभीषण ने रावण को छोड़ दिया और राम की सेना में शामिल हो गए। बाद में जब राम ने रावण को हराया, राम ने विभीषण को लंका का राजा के रूप में एक ताज पहनाया और वह अयोध्या लौट आए। विभीषण का सात्विक मन और सात्विक हृदय था। बचपन से ही उन्होंने अपना सारा समय प्रभु के नाम पर ध्यान लगाकर बिताया। आखिरकार ब्रह्मा ने उन्हें दर्शन दिया और उन्हें कई वरदान दिए जो वह चाहते थे। विभीषण ने कहा कि वह केवल यही चाहते थे कि उनका मन भगवान के चरणों में कमल के समान पवित्र हो। उन्होंने अपना सारा समय प्रभु के नाम पर ध्यान लगाकर बिताया। आखिरकार ब्रह्मा ने उन्हें दर्शन दिया और उन्हें कई वरदान दिए जो वह चाहते थे। विभीषण ने कहा कि वह केवल यही चाहते थे कि उनका मन भगवान के चरणों में कमल के समान पवित्र हो। उन्होंने प्रार्थना की कि उन्हें यह शक्ति प्रदान की जाए, जिसके द्वारा वह हमेशा भगवान के चरणों में रहेंगे और उन्हें भगवान विष्णु के दर्शन प्राप्त होंगे। यह प्रार्थना तभी पूरी हुई जब वह अपने सारे धन और परिवार को त्यागने में समक्ष थे और भगवान विष्णु के अवतार राम ने उन्हें साथ जुड़े रखा। विभीषण कैकसी और ऋषि विश्वा के सबसे छोटे पुत्र थे, जो स्वर्ग के रखवालों में से एक ऋषि पुत्सल्या के पुत्र थे। विभीषण लंका के राजा रावण और कुंभकर्ण के छोटे भाई थे। भले ही वह दानव जाति में पैदा हुए थे, तब भी वह सतर्क और पवित्र थे और खुद को ब्राह्मण मानते थे, क्योंकि उनके पिता सहज थे। जब दानव सुमाली की बेटी कैक्सी ने अपने पत्नी बनने की इच्छा व्यक्त की, तो उन्होंने कहा कि आपने इस अशुभ समय में एक अच्छी इच्छा के लिए कहा है। हमारे बच्चे भयानक शारीरिक संरचना और क्रूर प्रकृति के साथ पैदा होंगे। यह सुनकर कैक्सी ब्राह्मण के पैर पड़ गई और रोने लगी। यह देखकर वैष्णव ने कहा कि भाग्य को बदलना नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी आपकी भक्ति को देखते हुए और कर्तव्य परायण पत्नी के रूप में हमारे सबसे छोटे बेटे का जन्म सामान्य शारीरिक संरचना और पवित्र मन से होगा, लेकिन अन्य वही रहेंगे। विभीषण के रावण के साथ मतभेद होने के कारण, क्योंकि वह सीता के अपहरण में कृत के खिलाफ थे, और इन सब से क्योंकि रावण अपने लिए सिंहासन चाहते थे, इसलिए वे लंका भाग गए। उनकी माँ कैकसी ने उन्हें श्री राम की सेवा करने की सलाह दी, जो उस समय रावण पर विजय प्राप्त करने और सीता को पुनः प्राप्त करने के लिए एक सेना इकट्ठा कर रहे थे। उन्होंने रावण की सेना के रहस्यों को भुनाया और सुनिश्चित किया कि राम महान युद्ध में विजय रहे। भगवान राम ने विभीषण की सेवा करते हुए स्वीकार किया कि रावण की मृत्यु के बाद लंका के भगवान का अभिषेक किया जाए। लंका युद्ध में विभीषण के लंका के रहस्य के बारे में ज्ञान श्री राम के लिए एक अमूल्य साबित हुआ। विभीषण ने स्वयं रूप से राम के हमले की सफलता के लिए महत्वपूर्ण कई रहस्यों को उजागर किया, जिसमें पुलकित वंश के पारिवारिक देवता माता निकुम्भला का गुप्त मार्ग प्रकट करना भी शामिल था। राम और रावण के बीच चरमोत्कर्ष में जब राम रावण को मारने में असमर्थ थे, उन्होंने रावण की मृत्यु का रहस्य राम को बताया। उन्होंने राम से कहा कि रावण ने अमरता का अमृत अपने पेट में जमा रखा है और इसे सुखाना आवश्यक है। राम ने अंत में रावण को मार डाला, जहां आधुनिक पाठक भारतीय महाकाव्यों को स्पष्ट रूप से
परिभाषित अच्छे और बुरे पात्रों को देखने के लिए उपयोग करते हैं। वहीं रामायण का चरित्र चरितम धर्म की अवधारणा के व्यवहारिक निहारथियों का प्रतिनिधित्व करने की कोशिश कर रहा है। महाकाव्य में कहा गया है कि ना तो विभीषण या कुंभकर्ण धर्म के मार्ग से भटकते हैं और नैतिक दुविधा से बाहर निकलने का एक भी रास्ता नहीं है। रामायण सिखाती है कि कुंभकर्ण ने अपना पराजय की वफादारी का पालन किया और उसकी सलाह सफल हुई, जबकि विभीषण ने उनकी सलाह के विफल होने पर अपने परिजनों का विरोध करने का फैसला किया। प्रतीकात्मक रूप से विभीषण श्री राम की भक्ति का प्रतिनिधित्व करता है और एक दानव भक्ति के रूप में वह दिखाता है कि भगवान अपने अनुरागियों के बीच जन्म या परिस्थितियों का आधार पर जीवन के अंतर नहीं करते। वहीं औकात प्रहलाद और नरसिंह की कहानी में पढ़ी जा सकती है। जब विभीषण ने लंका के राजा का पद प्राप्त किया तो उन्होंने अपने विषयों को बुराई के मार्ग से धर्म के मार्ग पर मोड़ दिया। उनकी पत्नी रानी शर्मा ने भी इस प्रयास में उनका साथ दिया। उनकी बेटी थी जिसका नाम था अनलते। जब राम अपने शासनकाल के अंत में अयोध्या छोड़ने वाले थे तब भगवान विष्णु ने अपने मूल रूप में श्री विष्णु के रूप में विभीषण को पृथ्वी पर रहने और लोगों की सेवा करने और उन्हें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का आदेश दिया। इसलिए विभीषण को सात अमर या चिरंजीवियों में से एक माना जाता है। भगवान विष्णु ने भी विभीषण को सूर्य वंश के पारिवारिक देवता भगवान रंगनाथ की प्रार्थना करने का आदेश दिया।